Assalamu alaikum everyone, welcome back. If you're new here, my name is Mahvish. Welcome to my channel. In today's video, I'm going to share nikah makeup look with you, and this is a kind of a look you can create on your nikah, and it's a kind of a regal nikah look. So if you want to know how I got this super easy makeup look, then please keep watching. But before jump into the video, please take a moment to like, subscribe and share. So without further ado, let's jump straight in the video. Picking up this beautiful eyeshadow palette from Miss Rose Twilight Dust Palette, एंड मेरी फेवरेट पैलेट है, बहुत पिगमेंटेड पैलेट है. सबसे पहले मैंने यहाँ से उठाया है ट्रांजिशन शेड और इसको मैं लगा रही हूँ क्रीज पे, और इसको लगा के मैं अपनी क्रीज को डिफाइन करूँगी. और जितनी अच्छे से क्रीज को आप डिफाइन कर सकते हैं करें, बिकॉज अगर आपका कैनवस अच्छा होगा तो बाकी आपका मेकअप भी बहुत अच्छा होगा. सो इसको अप्लाई करने के बाद मैंने इसको क्लीन ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ, और बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग. उसके बाद मैं ये वाला जो है आई शेडो ले रही हूँ, और इस पे सारे के सारे आई शेडो के नेम्स जो हैं वो मेंशन होते हैं. मुझे ये पैलेट इसलिए अच्छी लगती है, तो यहाँ पे मैंने जो है ये वाला आई शेडो लिया है और इसको मैं लगा रही हूँ अपनी क्रीज के सेकेंड स्टेप के ऊपर. लाइक ये मेरी सेकेंड क्रीज बन रही है और मैं इसको लगा रही हूँ, एंड उसको फिर दोबारा से मैं क्लीन ब्रश की हेल्प से जो है वो ब्लेंड कर रही हूँ. ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग एंड ब्लेंडिंग. जब तक अच्छी ब्लेंडिंग नहीं होगी, आप कोई भी आई लुक क्रिएट कर लें वो अच्छी नहीं हो सकती. यहाँ पे मैं कर रही हूँ कट क्रीज, और यहाँ मैंने रेयर ब्यूटी का कंसीलर का वन ड्रॉप लिया था, उससे मैंने क्रीज को कट कर लिया. उसके बाद मैं इसको मज़ीद ब्लेंड कर रही हूँ ब्लेंडर से, एंड ये वाले मैं टू आई शेडोज़ ले रही हूँ. ये मेटालिक टू आई शेडोज़ हैं इसमें. लाइक ये जो दोनों कलर हैं, ये दोनों गोल्ड शेड्स हैं, ठीक है. एक बहुत ज़्यादा शार्प गोल्ड है और एक मैट गोल्ड है. दोनों को मैंने लिया है और मैं इसको लगा रही हूँ अपने जहाँ मैंने क्रीज को कट किया था उसके ऊपर. मैं प्रॉपर तरीके से इसको अप्लाई करूँगी, और ये इतना अच्छा पिगमेंटेड है कि इसमें 2-3 स्ट्रोक्स पे ही बड़ा अच्छा सा एक बेस कलर बन गया था. बट मज़ीद इन्हांस करने के लिए मैंने यहाँ पर जो है ये वाले पाउडर वाला जो एक ग्लिटर है, ये मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ. इसके लिए किसी भी सीलर की ज़रूरत नहीं है, किसी गम की ज़रूरत नहीं है, इतना अच्छे से यह लग जाता है आपके मतलब लिड पर. और उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये वाले टू आई शेडोज. यहाँ पे मैंने कैशमीर लिया था, उसके साथ मैंने जो कलर अपना क्रीज पे लगाया था उसको लिया था, इन दोनों को मिक्स किया था, और आउटर वी पे लगा रही हूँ. मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एक डेप्थ क्रिएट करनी थी, बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए यहाँ पे मैंने इसी पैलेट में से लिया था, एक लाइट सा शेड था और मेटालिक, उससे मैंने लिया है और मैं लगा रही हूँ. हाईलाइट कर लिया था मैंने अपने इनर कॉर्नर्स को एंड ब्रो बोन को. उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ आई लाइनर, और आई लाइनर मैं यहाँ पे छोटा सा बड़ा ब्यूटीफुल सा एक विंग क्रिएट कर रही हूँ. और मैंने सबसे पहले काजल अप्लाई किया था, और काजल अप्लाई करने के बाद मैंने इसको जो है आउटर वी से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल के और इसका विंग क्रिएट किया था. अब यहाँ पे मैं जस्ट एक रफ सा लाइनर क्रिएट करूँगी, क्योंकि प्रॉपर तरीके से फाइन लाइनर मैं एप्लीकेशन जब लैशेज की कर लूँगी तो उसके बाद मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी. यहाँ मैं अप्लाई करी हूँ मस्कारा, और मेरा फेवरेट मस्कारा एसेंस का मस्कारा मैं यहाँ पर अप्लाई करी हूँ. जितने अच्छे से अगर आप इसकी कोर्स अप्लाई करेंगे उतने अच्छे से जब इसके ऊपर लैशेस लगेंगी तो बहुत अच्छी सी उसके साथ सेटल हो जाएंगी. बाकी फेस को मैंने क्लीन कर लिया था, और ऑफ कैमरा मैंने जो है मॉइस्चराइज कर लिया था. अब मैं यहाँ पे कलर करेक्शन कर रही हूँ. कलर करेक्शन भी मैंने जो है प्रॉपर तरीके से ब्लेंडिंग कर ली थी ऑफ कैमरा. उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ कंसीलर, और यहाँ मैंने लाइट कंसीलर यूज़ किया है, और ये रेयर ब्यूटी का कंसीलर है. इसको मैं यहाँ पे कंसीलर ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लिया मैंने. उसके बाद मैं यहाँ पे ये वाली फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ. ये वाली फाउंडेशन सिल्फुल की फुल कवरेज फाउंडेशन है, और जैसे कि डर्माकोल की फाउंडेशन है, बिल्कुल ये सेम इसकी गिटो कॉपी समझे बिल्कुल वैसी ही है. उसके बाद मैं इसको अपने फेस पे ब्लेंड कर चुकी हूँ. बाकी मैंने ऑफ कैमरा कर लिया था. पाउडर से मैं अपने फेस को सेट कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी स्टेप है. इसको बिल्कुल भी मिस मत किया करें, नहीं तो फाउंडेशन सारी की सारी आपकी जो है ना वो क्रैक हो जाएगी और जग अगर सेट नहीं होगी तो. इसलिए इसको मैं अपने फेस पे अच्छे से पहले लगाऊंगी और सेट करूंगी. ड्राई स्किन है तो इस तरीके से लगाएं, और अगर आपकी जो है वो ऑयली स्किन है तो उसको जो है आप कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ जो उसका स्पंज आता है उसके ज़रिए लगाएं. यहाँ पे मैं जो कंटोर कर रही हूँ ये क्रीम कंटोर है, ग्लैम गर्ल की पैलेट से लिया था. इसकी ब्लेंडिंग मैं कर चुकी हूँ, एंड कंटोर को अब मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ आपके सामने ताकि अच्छे से यह सेटल डाउन हो जाए. उसके बाद मैं कंटोर को यहाँ पर नोज़ के अराउंड भी जो है वो हाईलाइट कर रही हूँ.
यहाँ पे मैं क्रीम ब्लश यूज़ करी हूँ, ये मैंने खुद DIY बनाया था फाउंडेशन के साथ, अपना कोई भी लिपस्टिक का शेड, लिक्विड लिपस्टिक का शेड लिया था, मिक्स किया था, उसको मैं यहाँ पे अप्लाई करी हूँ और इतना फाइन ये लग जाता है और लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक। मैं यहाँ पे ये वाली दोनों यूज़ करी हूँ, दोनों थाई ब्रांड्स हैं और बहुत अच्छी पिगमेंटेड लॉन्ग लास्टिंग की लिक्विड लिपस्टिक्स हैं। And here is my final look. I hope you found this video helpful. I kept this look very traditional, very epic and very regal. So if you like this video, then please do not forget to give me a big thumbs up. Also, my all social links are right down below in this video. I love you guys so much and I will see you soon with the brand new tutorial. Allah Hafiz.